दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऐसे एक अमीर देश के बारे में जहां के हर एक व्यक्ति सालाना 50 लाख कमाता है, जहां कोई ट्रेन गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस देश की जनसंख्या में 60% लोग बाहर देश से आते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पश्चिम एशिया के प्रमुख अरब अमीरात कुवैत के बारे में, जिसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर पश्चिम में इराक से मिलती है। कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है पानी के करीब एक महल। दोस्तों अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो कुवैत आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस देश में ज़्यादातर लोग मुस्लिम होने के वजह से यहाँ पर शराब खरीदना और बेचना दोनों गैरकानूनी है। कुवैत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको कोई भी रेलगाड़ी देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए यहाँ रास्ते पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा महंगी महंगी कार देखने को मिल जाएगी। 2018 की जनगणना के अनुसार कुवैत की जनसंख्या लगभग 46 लाख है, जिनमें से केवल 40% लोग ही वहाँ के मूल निवासी है। बाकी सभी लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे देशों से काम के तलाश पे आते हैं। दोस्तों कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है और ये अपना 60% तेल एशिया में निर्यात करता है। इस देश में सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय है जिसका स्थापना सन 1966 में की गई थी। कुवैत पहला ऐसा खाड़ी देश है जिसने अपना एक संविधान और संसद की स्थापना की। कुवैत को ब्रिटेन से 19 जून 1961 को आज़ादी मिली थी, लेकिन गर्मी के कारण वो अपना स्वतंत्रता दिवस जून के जगह 25 फरवरी को मनाता है, क्योंकि जून के महीनों में वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ का तापमान होता है करीब 55 डिग्री सेल्सियस। कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार, और कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी करेंसी में आता है, आज के समय 272 इंडियन रुपीस के बराबर। यहाँ के प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति हर साल $71,000 यानी 53 लाख कमाते हैं। दोस्तों सबसे मज़ेदार बात है, कुवैत में अगर आप किसी भी लड़की को गिफ्ट देना चाहते हो तो वो महिला आपके पास गिफ्ट लेने के लिए खुद नहीं आ सकती, बल्कि यहाँ के कानून के मुताबिक उसके माता पिता या उसका भाई आएगा। साल 2005 में कुवैत ने एक बहुत बड़ा घास का गोल्फ ग्राउंड बना लिया था, लेकिन इस ग्राउंड की घास को हरा भरा रखने के लिए सबसे ज़्यादा मीठा पानी का उपयोग किया जाता है। कुवैत की लिबरेशन टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, इसकी ऊंचाई है करीब 1220 फीट। दोस्तों कुवैत एक ऐसा देश है जिसका अपना राष्ट्रगान तो है लेकिन उसमें कोई शब्द नहीं है। तेल की बात की जाए जो तेल भंडारण के मामले में कुवैत विश्व का 5वां सबसे बड़ा तेल समृद्ध देश है। धार्मिक कट्टरता के मामले में भी कुवैत बाकी अरबी देशों से ज़्यादा पीछे नहीं है। यहाँ रमजान महीनों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर खाना पीना, तेज आवाज़ में म्यूजिक चलाना और नाचना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है, और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर सीधा जेल की हवा। कुवैत की अमेरिकी राज है उसकी ज़मीनों के नीचे का तेल। कुवैत सरकार के कुल कमाई का 95% हिस्सा तेल से आता है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा टायर डैम यार्ड कुवैत में ही मौजूद है। इस डैम यार्ड में 7 मिलियन यानी 70 लाख से भी ज़्यादा बेकार हो चुके टायर को रखा गया, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। 15 जून 1994 को कुवैत में जब मैकडोनाल्ड ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था, इसके उद्घाटन के दिन ग्राहकों की लगभग 7 मील यानी 11 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। दोस्तों कुवैत में भले ही कोई नदी ना हो, लेकिन प्रति व्यक्ति पानी की खपत के मामले में ये पूरे दुनिया में टॉप 10 देशों में शामिल है। यहाँ एक व्यक्ति औसत 500 लीटर पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों कुवैत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।